क्यों बना रहे हैं? वो दारू पी हुआ यार, वो दारू पीते हैं, दारू पीते हैं। क्या पैसे तो इंसान भी खरीद लेंगे हम, लड़की की इज्जत वापसी आ जाएगी क्या? लोगों को पकड़ करके लाए, शिनाख्तगी हो रही है, और कितनी तेजी से कार्रवाई चाहिए? हम लोग ये मांग करते हैं कि सख्त से सख्त दिलाने, सजा दिलाने के लिए आप कोशिश, पूरी कोशिश करें, और साथ में जो अपराधी जो है पकड़े गए हैं उसको जल्द से सजा दें, और लड़की को पूरा प्रोटेक्शन दें, साथ में उसके उसकी जो बातें हैं उसको सही तरीके से। तो क्या यूपी पुलिस ने जो दिलासा दिया था कि 5 बजे तक कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की गई? जी नहीं, हमको ये यकीन नहीं है, कार्रवाई नहीं हुई है। ये लोगों को बुलाया जा रहा है। जी अभी एक बार पुलिस से भी बात करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? जो जनता कह रही है कि 5 बजे तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई की उम्मीद, बिल्कुल उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उम्मीद थी, और उम्मीदों पर पुलिस खरा उतरी है। हाँ। जिनके ऊपर भी इन्होंने कहा कल, हाँ। जो तहरीर थी उस आधार पे मुख्य अभियुक्त को पहले तो जेल भेज दिया जी। इसके बाद जब नए तथ्य प्रकाश में आए कि नहीं और भी लोग थे जी। उस आधार पर हमने काफी संख्या में लोगों को पकड़ रखी है जी। उसकी शिनाख्तगी की कार्रवाई चल रही है। लड़की का पिता सहमत है, एक अभियुक्त जेल गया, लड़की का 164 का बयान हुआ, मेडिकल हुआ, सारी विधिक प्रक्रिया हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तरफ से बयान आया है कि हम समर्थकों के साथ है, जो विक्टिम परिवार है उनके साथ है। मैं भी साथ, लेकिन यहाँ पर धक्का मुख्य पुलिस के साथ क्यों हो रही है? सहयोग किया जाए, किसी ने धक्का नहीं बल्कि मेरे साथ धक्का हुआ, आपने देखा पिताजी वो बताएंगे। फिर देखिए पिताजी आ गए। सर लगातार यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम विक्टिम परिवार के साथ में हैं, आप यहाँ पर जो धक्का मुक्की है सर, पांच लोग सर एक प्रश्न ये है सर, नहीं पांच महिलाएं जाएंगी, नहीं मानेंगे ना, क्यों मानेंगे? लॉ एंड ऑर्डर नहीं सर। सीएम हाउस के तरफ से बयान आ रहा है कि किसी प्रकार की कोई नहीं। अच्छा आप सुनिए, पीड़ित परिवार सहमत है, आप क्यों नहीं सहमत हैं? मैं पूछ रहा हूँ, सुनिए, दारू पिलाए हो 5 नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि ले चलता हूँ, तो आप इनकी बात तो मानो, क्यों तो इनको यहाँ पे खड़ा क्यों करा सकते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे खड़ा क्यों करा सकते हैं? अरे भैया नहीं, एक बयान सर, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि विक्टिम परिवार है, हम उसके साथ है, हम जनता के साथ हैं, किसी प्रकार की कोई लाठी चार्ज धक्का मुक्की नहीं हुई, तो ये भी क्या हो रहा है? पूरा पुलिस प्रशासन साथ में है जी, लेकिन हमारा भी तो सहयोग करना पड़ेगा जी, जी, जी। दिन रात एक करके 24 घंटा जग करके मैं काम कर रहा हूँ इस मामले में, बिल्कुल समझ पा, और मेरा कोई सहयोग नहीं हो रहा है, सड़क जाम हो रहा है, रास्ते जाम हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रहा है, आगजनी हो रहा है, क्या हो रहा है? ये होता रहेगा जब तक लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक तोड़फोड़ भी चलेगी, बाकी भीड़ भी बिल्कुल चलेगी, योगी आदित्य बिल्कुल चलेगी, तोड़फोड़ चलेगी। फर्स्ट डे लड़की की तरफ से जो 112 पे रिस्पांस हुआ, उसने कहा कि नहीं मारपीट हुई है, तुरंत पुलिस घटना पे पहुंची। सेकेंड डे उसने कहा कि नहीं सुनो, घटना हुई है रेप की, पुलिस ने अपनी तरफ से तहरीर नहीं लिखा, तहरीर लिखवाया, मुकदमा लिखवाया, सुसंगत धाराओं में लिखवाया, जेल भेजा एक अभियुक्त को। सब पीड़िता ने कहा कि नहीं और भी लोग थे, हमने बयान करवाया, बयान करवाने के बाद जो लोग प्रकाश में आए, लोगों को पकड़ करके लाए, शिनाख्तगी हो रही है, और कितनी तेजी से कार्रवाई चाहिए? और भी करेंगे, लेकिन विश्वास का इनका एक लगातार प्रश्न आ रहा है कि जो असली मुलजिम है, असली आरोपी, उनको बचाने की कोशिश, असली आरोपी मुख्य आरोपी जेल जा चुका, जिसकी लड़की के भाई सबके द्वारा शिनाख्त की गई है, इसके लिए इनकार कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो कोई भी व्यक्ति को उन्होंने देखा नहीं है। देखिए एक फैजान नाम का पकड़ा गया है जो हमारी गली में आता था, और कोई नहीं पकड़ा गया, और दूसरा पकड़ा गया जो रैपिस्ट है, वो नहीं पकड़े गए। वो सहमत नहीं होना चाहता, वो सहमत नहीं होगा, फैजान नाम से एक पकड़ा गया है, बाकी कोई रैपिस्ट नहीं पकड़े गए, और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसी भीड़ इकट्ठी रहेगी, तोड़ा
पहले है ना? आप घटनास्थल पे थी? विश्वास, आप घटनास्थल पे थी? घटनास्थल पे की जानकारी आपने फर्स्ट डे किया? घटना के स्थल पर क्या पीड़िता हमारे साथ नहीं थी? क्या पीड़िता के साथ हमारी पुलिस नहीं थी? क्या पीड़िता को दबाव दिया गया पुलिस के द्वारा? क्या पता सर? और क्या पता? नहीं पता आपको तो उसके परिवार से पूछिए, उसके माता पिता चाचा चाची। बच्ची का बयान चेंज हुआ है, कल वो क्या इंसाफ चाहिए हमें? इंसाफ, एक बेटी के सवाल में इंसाफ चाहिए हमें, फांसी होनी चाहिए, इंसाफ पता हमें, इंसाफ चाहिए, इंसाफ इंसाफ चाहिए। वो स्कूल नहीं जाती, उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, नहीं चाहिए उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। ये समाज ए इनकी बेटी नहीं, ये समाज की हर बेटी के लिए न्याय मांगा जा रहा है, ये समाज की हर बेटी के लिए न्याय मांगा जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि पकड़े गए पकड़े गए, कोई नहीं पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया। आप जो चाहती हैं वो सब करूंगा। बच्ची का भविष्य क्या होगा? वो पढ़ी लिखी, वो स्कूल भी नहीं जाती, उसका उसकी जिंदगी का क्या होगा? उस बच्ची का आप तो है खराबी, आपको तो कुछ पता नहीं है। इसमें है कंपनसेशन है, उस बच्ची के भविष्य के लिए आप क्या करवा सकते हैं? कंपनसेशन है रानी लक्ष्मी बाई योजना के तहत, रानी लक्ष्मी बाई योजना के तहत उसमें ठीक है मिलता है। यूपी पुलिस है ये, यहाँ पर हर कोई पलट सकता है, पिता पलट सकता है, भाई पलट सकता है। जो पिता कल 7 बजे तक, 3 बजे से 7 बजे तक धरने पे बैठा था, आज बिना इंसाफ के वो हम सबको वापस भेज रहा है, वही पिता। तो क्या समझे हम आम आदमी, क्या समझे हम सुरक्षित है? नहीं है हम सुरक्षित, हमारी बेटियाँ दारू के नशे में है, वो एल्कोहल एल्कोहल ले रखा है उसने। अच्छा। कुछ तो बयान बदले गए हैं, बयान बदले गए हैं, उसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा बच्चे ना, हाँ कुछ ना हो रहा, कुछ भी यहाँ पर कुछ नहीं, इन्हें दबा जा रहा है। हाँ ये इज्जत ना देख रहे घर की, ये केस दबाने जा रहे हैं, इन्हें दिख नहीं रहा है किसी को क्या हुआ है। बता क्या कुछ लगता है आपको जो आपके पापा को जो है यहाँ पर जा रहा है धमका जा रहा पुलिस के साथ? मैडम एक बात बताइए, लगातार यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बयान आ रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, डीजीपी साहब ने खुद बोला है, लेकिन जो कल लाठीचार्ज की घटना हुई ये क्यों हो रही है? इस बारे में मैं नहीं बता सकती, मैं यहाँ पे मौजूद ही नहीं हूँ, मैं आज ही आई।
फांसी होनी चाहिए क्योंकि एक लड़की की इज्जत की बात है उसे पुलिस ने तो इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस क्यों दबा रही है के साथ जो हो रहा है ये बहुत गलत है। बहुत गलत है। फांसी होनी चाहिए। पुलिस वालों को पैसे मिले इसलिए दबा रहे हैं ये बात। क्यों दबा रहे हैं इस बात को? आपको क्या लगता है पुलिस क्यों दबाने की कोशिश कर रही है बात? क्योंकि उन्हें पैसे मिल गए इसलिए पैसे खा लिए पैसे। दूसरों से पैसे खाए मुसलमानों से पैसे खाए पैसे खाए पुलिस वालों ने इसलिए साथ नहीं दे रहे वो हमारा। मतलब जो बयान दे रहा था सामने में वो दारू पिया हुआ है। वो शराबी है। वो दारू पी हुए हैं। वो दारू पीते हैं। दारू पीते हैं। उसके पापा उसके भाई उसके चाची जाते लेंगे ना फैसला। चाची जाते हैं ना पड़े बोलेंगे फैसला। ऐसा कैसे फैसला हो जाएगा? हम भी तो किसी की लड़कियां हैं। हमारे साथ हो जाएगा तो गन में कुछ कौन क्या करेगा? कोई उठाएगा हमारे पास उंगली? इस केस को क्यों दबा रहे हैं यहाँ पर? एक भाई की इज्जत गई है उसकी बहन की तो वो लड़ेगा अपनी बहन के लिए क्योंकि उसकी बहन बहन की इज्जत गई है इसमें। पैसे देके केस को दबा दें? पैसे क्या पैसे तो इंसान भी खरीद लेंगे हम। लड़की की इज्जत वापसी आ जाएगी क्या? वापसी तो इज्जत वापसी आ जाएगी। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्योंकि वो समझाएगा इसीलिए। अच्छा आप यहाँ पर बताओ क्या आप क्या चाहते हो? पापा को दबाए जा रहा है। केस दबाने की कोशिश कर रही है पुलिस। यूपी की पुलिस बेकार है। बहन योगी को वोट नहीं मिलेंगे। योगी को वोट नहीं मिलेंगे। आपके पापा के साथ यूपी पुलिस क्या करने की? दबाए जा रहे